हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका जीरो से हीरो बनने के इस सेशन में अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर बच्चों को भाग देने में ये दिक्कत बनी रहती है कि कहां पर जीरो लगाया जाए, कहां पर दशमलव लगाया जाए, कहां पर दशमलव को हटाया जाए। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी रहती है भाग देने में, डिवाइड करने में। तो आइए इसी के बारे में हम आज सीखेंगे कि अगर आपको जीरो लगाना हो, एक से अधिक जीरो लगाना हो, दो या दो से अधिक जीरो लगाना हो, तब हम कैसे लगाते हैं और दशमलव को कहां पर लगाते हैं, कहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती है और क्या इसके रूल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको एक संख्या दिख रही है 200, फिर 225, इसको हमको 5 से डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले सिंपल आपको डिवाइड करने का मैं रूल बता दे रहा हूँ कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितनी, यानी कि भाग करने वाली जो संख्या होती है, जितनी यहाँ पर संख्या होती है उतनी यहाँ पर भी संख्या ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ पर भी एक डिजिट लेकर उसको भाग करेंगे। अगर यहाँ पर दो डिजिट है तो यहाँ पर भी दो डिजिट लेकर उसको भाग करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी संख्याएं होंगी यहाँ पर भी उतनी संख्याएं लेकर हम उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेकिन एक रूल और होता है कि अगर हम पहले डिवाइड कर ले रहे हैं तो अगर एक संख्या नहीं डिवाइड हो रही है तो दो संख्या भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर एक क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर एक ही हो, यहाँ पर तीन भी ले सकते हैं शुरू में। लेकिन अगर एक कड़ी करने के बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं तब फिर हम ऐसा रूल नहीं लगा सकते हैं। फिर जितनी संख्या होगी, जितनी डिजिट होगी उतनी डिजिट यहाँ पर हम ले सकते हैं, यानी जितने अंक यहाँ पर होंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, चूंकि यहाँ पर 2 कम है इसलिए यहाँ पर एक जीरो भी ले लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि आपका 20 से ज्यादा ना जाए, तो 5 की यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर घटाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर अब आगे देखिए प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर एक संख्या उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट है इसलिए यहाँ पर एक उतार रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 उतार लेते, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 5 से क्या जीरो जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई वो नहीं होता है, इसको ना तो गुणा करेंगे ना भाग करेंगे तो कोई भी इसका गुणा नहीं हो सकता। इसलिए अगर यहाँ पर जीरो आ जाता है तो इस जीरो को यहाँ पर हम उतार देते हैं। तो ये रूल होता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट होगा, यहाँ पर देखिए आगे भी यहाँ पर एक संख्या उतार है। अब यहाँ पर अगर एक संख्या हमने उतार ली, चूंकि यहाँ पर एक डिजिट है इसलिए यहाँ पर एक उतार सकते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर 2 है, 2 5 से कम है, एक भी बार नहीं जाएगा, इसलिए हमें इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि यहाँ पर 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 5 से ज्यादा करने के लिए एक डिजिट यहाँ पर और आपको उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डिजिट और उतारने के लिए, चूंकि एक ही उतार सकते थे लेकिन आपने 2 उतार लिया, इसलिए 2 जब उतारेंगे तो यहाँ पर एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 22 आ गया तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आपका 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर घटाएंगे, 2 से 2 गए आपका क्या हो गया, कट गया, और 2 से 0 गए यहाँ पर 2 बचा। अब चूंकि यहाँ पर ये तो शेषफल बचा हुआ है, इससे मतलब नहीं है, आगे हम एक संख्या बिल्कुल ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 25 से ज्यादा ना जाए, तो आप जानते हैं कि 5 बचा आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में ये आया कि अगर कोई भी संख्या जितनी यहाँ पर डिजिट होगी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 डिजिट होती तो यहाँ पर हम 3 डिजिट उतारते, तो यहाँ पर एक डिजिट 5 था इसलिए यहाँ पर 2 उतारा, लेकिन यहाँ पर 2 कम है 5 से इसलिए यहाँ पर एक 2 होता। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कि ये एक जीरो, अगर इससे ज्यादा डिजिट उतारते हैं तो यहाँ पर एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, बस यही रूल है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो भाग करने की है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।